Unacademy Combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन अकेडमी गाइज आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल कोर्स दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 1 एंड दिस दिस इज द बट माय थर्ड लेक्चर ऑफ सीरीज ओके होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे गाइस फिर से देखो अटेंडेंस कम हो रही है और मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस बार कम हुई तो बिल्कुल अंदर से ऐसे तार से घुस घुस के बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा और एक 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 छोटा सा चटकू पड़ेगा ठीक है तो जल्दी से शेयर कर दो इस लेक्चर को जल्दी से लाइक कर दो अटेंडेंस अपने लगाओ लाइक बटन दबा के और जल्दी से जो है वो इस लेक्चर को जहां जहां पे भी ग्रुप में शेयर कर देते तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैम्पलिंग जो है वो कवर कर लिया था इसे क्लियर और सैम्पलिंग के कुछ एस्पेक्ट किए थे आज की क्लास में टू का एक बेहतरीन गेट का प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं

In total 11 years of teaching experience, the subject I take is signal system, control system and EDC. Okay. Now in ACE itself, I have taught this subject for more than 210 plus batch. So I have a very huge experience in this subject, both the subject, in fact, control system and signal system. Hence, I am the right candidate to tell you that what to be taken, what not to be taken and how to deal with the signal system. Now, one more thing is that if you want to enhance your preparation, if you want to join an academy, then go for Pankaj 11. Why?

तारीख से स्टार्ट है बारह बजे मतलब कल बारह बजे फिर होगा परसों भी होगा सैटरडे को होगा संडे मंडे को होगा संडे को नहीं नाउ ये तो कि फ्री इनिशिएटिव की गाइस नाउ लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहस करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं देन यू मस्ट कम फॉर द प्लस गाइस प्लस के अंदर क्या है देखो आपको लाइव क्लास क्रैश कोर्स वीकली टेस्ट डाउट सॉल्विंग सेशन इंग्लिश और हिंदी में बैचेस और आर आई बी बैच इन सब में आप लोगों को एक्सेस मिलता है इसलिए और एक ही सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल बैचेस में आप एक्सेस कर सकते हो जो भी चाहो आप के तो आपको स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही इन सब के साथ आपको यहाँ पे बस आपको ये कोड लगाना है और अन अकेडमी के अंदर आ जाना है अन अकेडमी के अंदर आप आ जाओ और आपकी सारी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो मैं आपको गाइड करूंगा किस तरीके से रैंक फोर इस बार गाइडेंस में रैंक फोर जो है वो आया है और हो सकता है कि आप रैंक वन हो क्योंकि आपको मैं क्लोज ग्रुप में रखूंगा जिसमें हर हफ्ते डीपीपी होगा हर हफ्ते आप लोगों का टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपको मैं सेवन सब्जेक्ट्स में गाइड करूंगा आप मेरे रिसोर्सेस को आप यूज कर सकते हो जहां पे आप जो है वो ये भी कॉम्बैट जैसा आप आपने स्टूडेंट्स के बीच में पीयर्स के बीच में आप फाइट कर सकते हो मेरे गाइडेंस में इट नाउ बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आपको शॉर्ट में बता दूं यूट्यूब लेक्चर में केवल लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे पर कोई सपोर्ट नहीं है जैसे क्ले बट अन अकेडमी प्लस में देखो गाइस आपको क्लासरूमेंट डाउट दो सब्जेक्ट्स एक साथ डेली असाइनमेंट मतलब एक बिल्कुल पर्सनलाइज जैसा बिल्कुल पर्सनल के जैसा आपको अन अकेडमी प्लस में मिलता है तो आप प्लस प्लस सब में सबसे बेस्ट है मिनिमम कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड वीडियोस रिकॉर्डेडते हैं सर रिकॉर्डेड वीडियोस का को कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें तो केवल लेक्चर कोई सपोर्ट नहीं कोईट्यूब लेक्चर में कम से कम आप मुझे देख रहे हो आप मेरा नंबर जानते हो बिल्कुल आप मुझे करोगे तो मैं आपको आंसर तो जरूर करूंगा क्योंकि इमोशनल मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं रिकॉर्डेड देखना है तो आप बिल्कुल इनको देख लो रिकॉर्डेड बिल्कुल

कम से कम मुझे खुद इलेवन का एक्सपीरियंस है इतने एक्सपीरियंस सर भीमा शंकर सर विशाल सर वरुण श्रीवास्तव सर इन सबके गाइडेंस में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा तो प्लीज़ आप अन अकेडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो सर आइकॉनिक की फीसेस ये हैं बिल्कुल आप बिल्कुल जो है देख सकते हो और बैचेस सर बैचेस तो यहाँ पे फुल फ्लेक्सीबिलिटी है यही मुझे आन अकेडमी के अंदर अच्छी लगती है कि आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश चुनो हिंदी हो तो हिंदी चुनो और अगर इंग्लिश बैच हो तो इंग्लिश चुनो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं समझते तो आप इंग्लिश बैच में ही घुसो नहीं सर हिंदी बैच भी आप असेस कर सकते हो फैकल्टीज बहुत डाइवर्सिफाइड है क्योंकि एक फैकल्टी कई सारे लेक्चर्स ले लेती है ऐसे क्लियर तो आप बिल्कुल असेस यूज कर सकते हो ना ये कुछ बैचेस हैं जो कि आपके यूपीएससी के बैचेस हैं एचएएल के लिए आरसीबी के लिए यूपीआरबीएनएल के लिए डीएफसीआईएल के लिए ये 12 मई से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब कल से स्टार्ट हो गए

सर एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि अन अकेडमी कॉम्बैट जो है वो आपको हर हफ्ते होता है आप इसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो और ये अगला कॉम्बैट जो होगा वो का अगर आप ये कोड लगाते हो तो आप सीधे मेरे गाइडेंस में आ जाओगे जब आप आपकेडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू भी परचेज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉम्बैट दीजिए रैंक वन से लेकर लाइए या रैंक फोर से लेकर टेन तक लाइए इलेवन से फिफ्टी या फिफ्टीन से हंड्रेड सब में कुछ ना कुछ है देखो यहां पे फुल है यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट का ऑफ है फिफ्टी परसेंट का ऑफ है ट्वेंटी का ऑफ है कैसे भी आप क्लियर और यह कुछ अच्छी है टेन थाउजेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तो गाइस कोई भी एक फ्री इनिशिएटिव होता है वो आपके लिए होता है बिल्कुल आप इसे अवेल कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं तो गई जल्दी से एक बार टाइप करेंगे यस यस आर यू रेडी और और नॉट जल्दी 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 से 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 करिए 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 प्लीज 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 टाइप 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 करें नो yes no? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल पांच इसीलिए मैं जल्दी स्टार्ट करता हूं ये सब चीजें फिनिश हो जल्दी से टाइप करें आर यू रेडी और नॉट यस तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी गुड थैंक यू वेरी मच बस इसी तरीके से आप लोग जो है वो अपना मोटिवेशन बनाए रखिए गाइस और हंड्रेड परसेंट आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दैट इज गेंटेड चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल वन लेक्चर टू गाइस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीधे आप आते हैं उस पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सैंपलिंग पे बात की थी हमने ये कहा था कि हमारे पास एक सिग्नल था एक्स ऑफ टी ओके और हमने इसको सैंपल किया एन टी एस के रेट से तो हमारे पास बन गया एक्स ऑफ एन टी एस और एक प्रोसेस और किया था मैंने चूंकि सर यह प्रोसेस जरूरी नहीं है कि आपको यह प्रोसेस करना ही है पर चूंकि मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो एक्सेस हो वो यन हो, ना कि इससे आपकी एन टी एस एक्सिस होगी गॉट इट? तो अगर आप टीएस से डिवाइड करोगे तो यहां पे मुझे मेरे पास जीरो और वन और टू और थ्री और, और माइनस वन और माइनस टू इस तरीके से आपको आपको लेक्चर सॉरी आपको जो है वैल्यूज मिल जाएंगी और यहां है वो इंटीजर बन जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन एक्सएन है जहां पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर है याद रखना ऐसा करने से हमने वाई एक्सेस की वैल्यू को चेंज नहीं किया हमने केवल एक्स एक्सिस की वैल्यू को इंटीजर कर दिया तो नॉर्मलाइजेशन का पर्पस केवल इतना होता है कि आप अपनी एक्स एक्सिस को इंटीजर में कन्वर्ट करते लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहीं से मान लीजिए कि TS कुछ भी हो सकता है टीएस कुछ भी हो सकता है टीएस बिलोंग टू द रियल नंबर लेकिन हमें टीएस की इंटीजर वैल्यूज ही मिलेंगी ये बात सिग्निफाई करता है कि इससे इंटीजर वैल्यू हमें दिखती है अगर हमने टीएस का डिवाइड कर दिया तो इंटीजर वैल्यूज हमें दिखती हैं। पर ना यहां पे टीएस की आप इंटीजर वैल्यू आप समझ सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसे क्लियर तो आप बिल्कुल यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं चलिए एक क्वेश्चन मैं यहां पे रखता हूं जिससे कि ये फैक्ट पूरा का पूरा कल हम लोगों ने ये जो सीखा था वो भी पूरा क्लियर हो जाए ये गाइस ये क्वेश्चन है गाइस इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए मैं यहां आ जाता हूं सर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो ये गेट 2017 का प्रॉब्लम है ये गेट 2017 का प्रॉब्लम है बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज मान लो मेरे पास एक एक्स वन टी है जो कि है देखो ध्यान से एक्स वन टी है ओके okay, इधर देखते इधर रखो इसको X1 T है जो कि वन माइनस मॉड टी जहां पे टी की रेंज गिवन है आपको माइनस वन से लेके वन एंड एक्स टू टी है मॉड टी जो कि टी की रेंज सेम है आर टू सिग्नल ये दो सिग्नल्स है यूनिफॉर्मली सैम्पल्ड एट a टी इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव सेकेंड टू मेक एक्स वन एंड एंड एक्स टू एन रेस्पेक्टिवली है is, पहले करो और फिर जोड़ दो। आपको यह बताना है कि इन में कौन सा सम बड़ा है या दोनों बराबर है या छोटे है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है या फिर हम ये कर ही नहीं सकते ये आपका फेवरेट ऑप्शन है ये आप कुछ नहीं बना तो चलो कांड से बोल दो कांड से कह दो बात खत्म हो गई कांड से कह दो बात खत्म हो गई हाँ जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मैं आपको यहां पर दो मिनट का टाइम जरूर दूंगा तो मैं एक टाइमर लगा रहा हूं मैं यहां पर एक टाइमर लगा रहा हूं जिसमें आपको दो मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा ठीक है तो दो मिनट का टाइम मैं देता हूं ठीक ये दो मिनट का टाइम मैंने यहां पे दिया जल्दी से करना कर करेंगे गाइस व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर हां बिल्कुल यूट्यूब पे चालू है बिल्कुल कोई इनिशिएटिव बिना फिनिश हुए नहीं होता भाई बिल्कुल चालू क्वेश्चन होप कि आपको क्लियर है क्वेश्चन आपको क्लियर है क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर है गाइस ये क्वेश्चन क्लियर है सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको हेलो सी एस वन इज इक्वल टू एक्स टू यस ध्यान से करिएगा प्लीज याद रखना बेटा मेरे क्वेश्चंस का लेवल होता है ये गारंटेड है मेरे क्वेश्चन का लेवल होता है ये गारंटेड है मेरे क्वेश्चंस का लेवल होता है ये गारंटेड है सर मेरे पास दो सिग्नल है देखो x1t जो कि माइनस mod t है x2t जो कि mod t है माइनस -1 से लेके 1 के बीच में है इनको मुझे x1n x2n बनाना है इतने से सैंपलिंग करके अब आपको एक एक वन एन मिलेगा एक एक्स टू एन मिलेगा सर इनके सैंपल का स्क्वायर करके एस वन और एस टू मिलेगा आपको यह बताना है कि कौन सा सम ज्यादा बड़ा है कौन सा सम जो है तो वो छोटा है एंड सो ऑन मेक इट फास्ट बिल्कुल देता हूँ आदर्श सिंह तोमर कैसी बात कर रहे हो हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट होगा इस हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल देता हूं बिल्कुल देता हूं बिल्कुल देता हूं बेटा आदर्श अरे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हिंदी मेरी खून में बसी हुई है भाई हिंदी मेरे खून में बसी हुई है देखे ध्यान से चलो देखो ध्यान से सर ये कह रहा है कि सर पहला जो सिग्नल है एक्स वन टी जो कि है वन माइनस मॉड टी ठीक है और एक्स टू टी जो है वो है मॉड टी जरा एक बार मॉड को दिखाना एक बार प्लीज एक बार मॉड को दिखाना सर आपको पता है कि मोड जो होता है मैं यहां पर लिख रहा हूं ठीक है यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। सर टी जो होता है, वो होता है टी फॉर टी लेस देन जीरो एंड इट इज जीरो फॉर टी इक्वल टू जीरो आपको पता है कि ये सिग्नल जो होगा वो यहां से इसके बीच में होगा एक विक्ट्री शेप का सिग्नल होगा एक वी शेप सिग्नल सर पर टी की रेंज यहां पे है बताओ टी की रेंज है वन से लेके वन तक तो ये भी टी की रेंज जो है वो माइनस वन से लेके वन तक है तो आप देखो जब टी पॉजिटिव होगा मतलब जब टी आपका जीरो से वन होगा तो ये हो जाएगा जब टी पॉजिटिव है तो ये प्लस टी है मतलब ये हो जाएगा वन माइनस टी, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन. पहले फंक्शन बनाना सीखो वन माइनस टी फॉर टी टी ग्रेटर देन देन जीरो लेस वन. और जब नेगेटिव होगा मतलब कौन सी रेंज पे माइनस वन से लेके जीरो की रेंज पे ये हो जाएगा वन प्लस टी यस और नो? मुझे बताओ मुझे यही होगा ना यस वन प्लस टी ये होगा और टी की वैल्यू जब जीरो होगी जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो यह हो जाएगा वन ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा वन मुझे एक चीज बताओ ये हो जाएगा वन यही होगा ना और यहां पे क्या होगा बताओ ये क्या होगा दैट इज नथिंग बट मे टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन इट इज अ माइनस टी फॉर टी माइनस वन टू जीरो ओके माइनस वन टू जीरो एंड इट इज जीरो टी इक्वल टू जीरो 40 इक्वल जीरो ऐसा ना यही होगा ना सर आपको नहीं लगता कि ये जो है ये ये जो है ये एम टी प्लस सी का फॉर्म है ये दोनों इक्वेशन एम टी प्लस सी का फॉर्म है ये दोनों एम टी प्लस सी का फॉर्म है।, है तो जरा बनाओ एक बार सर आपको नहीं लगता कि एक्स वन टी जो होगा वो कुछ ऐसा सिग्नल होगा देखो एक रेंज इज वन ये हो गया जीरो और ये हो गया माइनस ओके okay? तो देखो सर जीरो से लेके वन तक ये वन माइनस टी है कहने का मतलब ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो जिसका स्लोप नेगेटिव है ये है वन माइनस टी हेलो ये हो जाएगा वन माइनस टी और सर जीरो से माइनस वन से लेके जीरो तक ये क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप हो जाएगा वन प्लस टी वन प्लस टी यही होगा कमॉन एवरी वन मैं पहले इसको लेके चलता हूं सर इसको मुझे देखो ध्यान से इसको मुझे सैंपल्ड करना है बताओ पॉइंट टू फाइव की रेट से बहुत ध्यान समझना प्लीज यस अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा वन माइनस टी इज क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ना बेटा वन माइनस टी इज ए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन सी एम टी प्लस सी ना बेटा एम टी प्लस सी एम वैल्यूज वॉट माइनस वन सी वैल्यूज जीरो सो इट इज ए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस वन स्लोप नेगेटिव है इसका स्लोप नेगेटिव है निगेटिव स्लोप है और इसका स्लोप पॉजिटिव है सिंपल बहुत ध्यान से देखें प्लीज सिंपल चंदन कुमार हाँ अब इसको पॉइंट टू फाइव की रेट से सैंपल करना देखो सर एक तरीका यह है कि आप इधर सो वन माइनस टी को आप वन माइनस एन टी से रिप्रेजेंट करते जहां पे कैपिटल टी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव है बहुत ध्यान से देखो प्लीज यहां पे टी की वैल्यू जीरो पॉइंट टू फाइव है एकदम धीरे, एकदम धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे एकदम धीरे धीरे सर टी की वैल्यू अच्छा, मतलब तो तो जीरो लूंगा तो मुझे मिलेगा वन एन की वैल्यू वन लूंगा तो मुझे मिलेगा पॉइंट सेवन फाइव और मुझे एन की वैल्यू टू लूंगा तो मुझे मिलेगा नथिंग बाउट फाइव और फिर एन की वैल्यू थ्री लूंगा मुझे आ, तो मुझे मिलेगा बताओ एन की वैल्यू जीरो लूंगा तो मुझे तो मिलेगा वन एन की वैल्यू वन लूंगा तो वन माइनस पॉइंट टू फाइव मतलब और एन की वैल्यू फोर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा जीरो कहने का मतलब मेरे पास जो सैंपल आएगा ये कुछ ऐसा आएगा चेक करना प्लीज तो ये हो गया जीरो हो गया वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर बोलो और नो इसके लिए बोलो और yes नो no? बोलो और yes नो no? तो जीरो वन टू थ्री फोर ये हो जाएगा और चूंकि ये गर्व इवन है मतलब जितना ये पोर्शन उतना ही ये भी पोर्शन तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ यहां पे सॉरी यहां पे ये वैल्यू होगी माइनस वन पे ये वैल्यू होगी माइनस टू पे और ये वैल्यू होगी माइनस थ्री पे और ये वैल्यू होगी माइनस फोर पे कब और एवरी वन जल्दी से बताओ तो कहने का मतलब ये वैल्यू हो गई वन ये वैल्यू हो गई पॉइंट सेवन फाइव वैल्यू होगा पॉइंट टू फाइव वैल्यू हो जाएगी पॉइंट फाइव सॉरी ये वैल्यू हो जाएगी पॉइंट फाइव वैल्यू हो जाएगी पॉइंट टू फाइव और यह वैल्यू हो जाएगी पॉइंट टू फाइव और यह वैल्यू है माइनस टू माइनस थ्री ठीक है यह हो गया जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और यहां पे हो गया माइनस फोर ये तो यह वैल्यू हो गई सेम वैल्यू हो जाएगी पॉइंट सेवन फाइव यहां पर हो जाएगा पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ़ फाइव और ये वैल्यू हो जाएगी जीरो सर बहुत सारे लोग क्या कहेंगे सर नहीं सर हम एक्सिस को पहले जीरो और फिर जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव और वन करेंगे यहां पे माइनस पॉइंट टू फाइव माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव और माइनस वन करेंगे और फिर पॉइंट टू फाइव से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें वैल्यू से मतलब है मैंने एक्स एक्सेस पर कंसंट्रेट ही नहीं किया मैंने एक्स एक्सेस को कंसंट्रेट ही नहीं किया है फॉरगेट अबाउट एक्स एक्सेस इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब कि सीधी सी बात है कि एक्स वन एन जो होगा वो देखो क्या होगा ये होगा जीरो कॉमा पॉइंट टू फाइव कॉमा पॉइंट 0.5 फाइव सॉरी और पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव और यहां पे आएगा कमान यहां पे आएगा जीरो मैं एक बार एक्स वन एन को फिर से ले लेता हूं तो मेरा जो एक्स वन एन आया है वो आया आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट सेवन फाइव और वन और यहां पे आ जाएगा पॉइंट सेवन फाइव और यहां पे आ जाएगा पॉइंट फाइव और यहां पे आ जाएगा पॉइंट टू फाइव और यहां पे आएगा जीरो और एरो मेरा यहां पे होगा यही होगा ना यही होगा सिंपल सी बात है बिल्कुल यही होगा एक्स वन एन मेरा यही होगा और रही बात एक्स टू टी की तो देखो टू टी ये फंक्शन है ये हो गया जीरो और ये हो गया वन और ये हो गया माइनस वन कम और ये है टी और ये है माइनस टी चेक करना गाइस यही होगा ना सर ये एक्स टू टी है। जब आप इस x2 t को सैंपल करोगे कम ऑन जब आप इस x2 t को सैंपल करोगे जब आप इस x2 t को सैंपल करोगे ये x2 t है ये x2 t है ओके okay? और जब आप इसको सैंपल करोगे 0.25 की रेट से तब आप मुझे एक चीज बताओ तब आप मुझे एक चीज बताओ सीधा सीधा मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे वैल्यूज होगी वन फोर पे वैल्यू होगी वन और माइनस फोर पे वैल्यू होगी वन बाकी सारी वैल्यूज़ इससे छोटी होगी इसका सैंपल यही तो होगा भाई इसकी स्लाइस कर रहे हो आप मतलब ये हो गया जीरो ये हो गया वन टू थ्री और ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहां पे हो जाएगा वन यहां पे होगा पॉइंट सेवन फाइव यहां पर होगा पॉइंट टू फाइव और यहां पे होगा पॉइंट टू फाइव और यहां पर होगा पॉइंट टू फाइव इवन फंक्शन दोनों है पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा एक्स टू एन मेरा क्या होगा जीरो मेरा होगा यहां पर यस और नो यही आएगा ना मेरे पास फंक्शन हां या ना मैं जल्दी से जवाब दे दो तो मुझे यही दोनों फंक्शन आएगा अब मुझे सबका स्क्वायर करके जोड़ना है मुझे बताओ इसको स्क्वायर प्लस सम और इसको स्क्वायर प्लस सम प्लस सम ये मुझे देगा एस टू और ये मुझे देगा एस वन हेलो यही होगा ना

एक बार है और यहां पे वन दो बार है यहां पे वन यहां पे वन हां बिल्कुल मैं बताऊंगा प्रोसीजर यहां पे वन एक बार है और यहां पे वन दो बार है यहां पे वन एक बार है यहां पे वन दो बार है तो अफकोर्स एस टू बड़ा होगा किससे एस वन से सम बड़ा होगा बड़ा होगा वन सर देखो ना ये जीरो से लेके वन है मुझे एक चीज बताओ बहुत ध्यान से बताना सर बहुत सारे लोग रेंज पे परेशान है देखो सर मुझे एक चीज बताओ अगर ये जीरो है और ये वन है और यहां पे माइनस वन है मुझे एक चीज बताना सर दैट इज द अपर बाउंड और मुझे पॉइंट टू फाइव के स्लाइसिस करने हैं अगर मुझे पॉइंट टू फाइव के स्लाइसिस करने हैं मतलब कितने स्लाइस आएंगे मेरे पास सर अगर पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव के स्लाइस करने हैं पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव के स्लाइस करने हैं तो एक ये आएगा एक ये आएगा एक ये आएगा और फाइनली एक ये आएगा

और यहां पे था माइनस वन तो अगर मुझे चार स्लाइस करने हैं चार स्लाइस करने हैं तो एक ये हो गया दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया चार चार ही ही स्लाइस आएंगे मेरे पास सिंपल गॉट इट आर नॉट बिल्कुल क्लियर बिल्कुल क्लियर है यहां पर अच्छा मुझे एक बताओ, यहां पे मैंने इन दो सैंपल्स के बीच का गैप कितना है टीवी टू पॉइंट फाइव है पॉइंट टू फाइव है सॉरी टी इज इकल टू पॉइंट टू फाइव बहुत ध्यान से अगर मैं कह दूं कि मुझे इस सिग्नल को इस सिग्नल को टी इज इकल टू पॉइंट फाइव की रेट से सैंपल करना था ये जीरो था ये वन था ये माइनस वन था एक बार एक बार मुझे पॉइंट वन की रेट से सैंपल करना था बहुत ध्यान से बताना प्लीज सर 0.5 की रेट से सैंपल करना था और एक बार मुझे 0.1 t 0.1 की रेट से सैंपल करना था अब बताओ तो कितने सैंपल्स आएंगे अब बताओ कितने सैंपल्स आएंगे अब बताओ कितने सैंपल्स आएंगे कम ऑन एवरीवन अगर मैं इसी सैंपल को ये मेरा x1 t था अगर मैं इसको 0.5 की रेट से सैंपल करूंगा और 0.1 की रेट से सैंपल करूंगा मतलब यहां से मुझे कुछ मिलेगा यहां से मुझे कुछ मिलेगा और यहां से मुझे कुछ मिलेगा मुझे बताना प्लीज कितने सैंपल्स आप, आप सैंपल तो कर, तो कर रहे हो तो कहने का मतलब एक सैंपल सर इसका मतलब होगा गया एन इंटू पॉइंट फाइव आप समझ रहे हो एन इंटू पॉइंट फाइव का मतलब यह है कि जब एन की वैल्यू जीरो होगी तो एक वैल्यू ये आएगी एक वैल्यू ये आएगी पॉइंट फाइव पे और एक वैल्यू आएगी वन पे एक वैल्यू वन पे आएगी कहने का मतलब अब जब मैं इसको से करूंगा जब इसको मैं से divide करूंगा, divide five, 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 कहने का मतलब क्या हो गया एक मुझे जीरो मिलेगा और एक मुझे वन मिलेगा और एक मुझे टू मिलेगा यहां पे वैल्यू कुछ होगी यहां पे वैल्यू कुछ होगी और यहां तो वैल्यू पक्के से जीरो होगी और सेम सेम मेरे पास स्लोप सिमेट्रिकल कर्व है तो कहने का मतलब यहां पे वैल्यू एक माइनस वन पे आएगी और एक वैल्यू कहां कहा माइनस टू पे आएगी तीन सैंपल्स मिलेंगे मेरे पास टोटल सैंपल्स कितने होंगे बताओ तीन सैंपल्स होंगे टोटल सैंपल्स नंबर ऑफ सैंपल्स इज थ्री नंबर ऑफ सैंपल्स इज थ्री बहुत ध्यान समझना प्लीज लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं और मैं पॉइंट वन का रेंज ले लू

नंबर ऑफ सैंपल्स जो होंगे वो 21 होगा अरे बोलो ना नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे 21 अभी मैंने इफेक्टिव सैंपल्स की बात नहीं की इफेक्टिव सैंपल्स की बात बात में करूंगा सर 100% ये सैंपल्स यहां से स्टार्ट होगा यहां पे जीरो हो जाएगा इनके बीच में सैंपल्स ऐसे आएंगे सर ये ये डेफिनेटली 10th सैंपल होगा 10वां तक आएगा और यहां पे -10th होगा सर ये 1 होगा ये होगा थिंग बटवा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एन की वैल्यू ट्वेंटी वन और यहां पर हो जाएगा जीरो वन इस तरीके से टोटल सैंपल्स कितने हो गए फाइव टोटल सैंपल्स की वैल्यू फाइव है लेकिन फिर यह क्या बोल दिया मैंने थ्री क्या बोला सर इफेक्टिव कितने हैं सर यह सैंपल्स तो जीरो हुए ना तो इफेक्टिव कितने हैं थ्री इफेक्टिव कितने हैं थ्री इफेक्टिव कितने हैं थ्री ना थ्री होंगे लेकिन सर यहां पे इफेक्टिव कितने होंगे देखो टेंथ सैंपल और माइनस टेंथ सैंपल जीरो इफेक्टिव सैंपल्स कितने होंगे बताओ इफेक्टिव सैंपल्स कितने होंगे बताओ एन की वैल्यू हो जाएगी नाइनटीन क्योंकि दो सैंपल्स

तो यहां पे मेरे पास सात सैंपल थे और जब यन की वैल जब मैंने टी की वैल्यू को 0.5 रखा तो मेरे पास तीन सैंपल थे और जब मैंने 0.1 रखा तो मेरे पास 19 सैंपल थे इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव, इफेक्टिव सैंपल्स इफेक्टिव सैंपल्स बहुत ध्यान से प्लीज तो अब आप मुझे एक चीज बताओ सर किसका रिजोल्यूशन ज्यादा है

तो अगर मैं टी की वैल्यू को कम कर दूंगा देखो जरा अगर मैं टी की वैल्यू को कम कर दूंगा तो नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ सैंपल्स अगर बढ़ जाएंगे तो कहने का मतलब मेरा रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगा मेरा रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होगा हा माइनस वन से लेके वन के बीच एन की वैल्यू जीरो माइनस फोर से लेके 4 पर, फोर आएगी यस पर पे रविराज बेटा माइनस फोर ऑफ फोर पे तो वैल्यू जीरो है ना तो इफेक्टिव कितना हुआ 1 से लेके 3 तक तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टी की को घटाते जाऊंगा तो मेरा रिजोल्यूशन मेरा बढ़ता जाएगा बिल्कुल सही बात है मेरा रिजोल्यूशन जो है वो इफेक्टिवली बढ़ता जाएगा और टी जो है वो डिपेंडेंट है किस पर वन 1/fs पे यानी कि fs की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती जाएगी तो रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा अगर मैं यहां पे एक और कॉलम रखूं जो कि एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ एफ एस यहां पर कितना होगा ये होगा फोर सेकेंड एफ एस यहां पर कितना होगा टू सेकेंड और यहां पे एफ एस कितना होगा टेन सेकेंड अगर आपने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी देखो अगर आपने बढ़ा दी तो रिजोल्यूशन भी बढ़ गया सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी तो रिजोल्यूशन भी बढ़ गया सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम करोगे तो रिजोल्यूशन भी घट जाएगा और अगर ऑफ इफेक्टिव सैंपल बढ़ जाएंगे तो आप ये कहोगे दो गया और ज्यादा ऑफ सैंपल आ गए सर ये सब चीजें अभी अगर आपको अगर अभी आपको लग रहा है कि सर ये तो मुझे आता है इन्हीं चीजों पे मैं ब्लॉक करूंगा आगे कोर्सेज में इन्हीं चीजों को मैं ब्लफ करूंगा आगे कोर्सेज में yes, और टीएस इन सेकंड TS एस इज इन इन्हीं इन इन्हीं पे में अपना पूरा सिग्नल एस्पेक्ट जो है वो आपके सामने रखूंगा कि अगर टी की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे अगर आप टी की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे सॉरी कम करते जाओगे तो आपका रिजोल्यूशन बहुत हाई होगा और एफ एस जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा यह बातें मुझे यहां पर भी दिख गई लास्ट क्लास में भी दिखी थी और यहां पर भी बिल्कुल शो हो गई आंसर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर इस क्वेश्चन का एस टू

अब मेरे पास एक एक्सटी था कुछ ऐसा बहुत ध्यान से देखना प्लीज ये एक्सटी था जो कि था माइनस ए कॉम बी और यहां पे है सी बहुत ध्यान समझना प्लीज और अब एक्स को मैंने सैंपल्ड किया एन की रेट से और तो ये मेरे पास बन गया एक्स ऑफ एन और इसको मैंने नॉर्मलाइज किया तो नॉर्मलाइज करने के बाद मुझे एक्शन मिला तो एक्शन जो मिला वो मुझे कुछ ऐसा मिला ओके okay? कुछ ऐसा मिला इट right? ये है जीरो वन ये है टू ये है माइनस वन ये है माइनस टू ये है माइनस थ्री है माइनस एग्जाम्पल है three, ये है कुछ इस तरीके से मिला बहुत ध्यान से देखना प्लीज अब कॉन्सेप्ट यहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं अब धीरे धीरे मैं अपना लेवल जो है वो यहां से पढ़ाऊंगा अब मैं धीरे धीरे यहां से लेवल पढ़ाऊंगा कभी भी आपको तो ये नहीं मिलेगा हमेशा आपको कहोगे कि एक्सटी से एक्शन मिल गया एक्स से एक्शन मिल गया और ये जो सैंपलिंग है वो यूनिफॉर्म है वो जो सैंपलिंग है ये जो सैंपलिंग है यूनिफॉर्म सैंपलिंग है बहुत ध्यान से नोट्स बनाते जाना बेटा ये जो सैंपलिंग है वो कैसे सैंपलिंग है वो यूनिफॉर्म सैंपलिंग है ये जो सैंपलिंग है वो यूनिफॉर्म सैंपलिंग है मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत है लाइक like का बटन लाइक like का बटन लाइक like का बटन बिल्कुल दबा के बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत है क्या धीरे से आप कॉन्सेप्ट को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं धीरे से आप कॉन्सेप्ट को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिग्नल फील होगा इसके क्लियर यहां तक कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या कमान जल्दी से जल्दी से कमेंट करेंगे प्लीज जल्दी से कमेंट करेंगे प्रणिति पूछ रही है एक बार फिर से प्रिंटेड आउट पूछेगा प्लीज यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है चल ठीक है आगे 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 बढ़ते आंगे बढ़ते आंगे बढ़ते हैं 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 सर आप आप देखो ध्यान से। आप देखो ध्यान ध्यान से से मेरे पास एक सिग्नल है मान लो एक्सटी एक रैंडम सिग्नल ले रहा हूं मैं मान लो इसी सिग्नल को ले रहा हूं यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू है माइनस ए यह वैल्यू है बी और ये वैल्यू है सी इसी का सैंपल वर्जन ये ठीक है इसी का सांपण वर्जन ये है यही सेम सांपण वर्जन ये है कभी नहीं भूलोगे कभी नहीं भूलोगे गारंटेड ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक्सटी है और ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक्सन है अब आप ध्यान से कहा अब मैं कुछ पैरामीटर अब मैं कुछ पैरामीटर यहां पे डिफाइन करता हूं कुछ पैरामीटर्स मैं यहां पे डिफाइन करता हूं आज मुझे उन्हीं पैरामीटर्स के साथ खेलना है आज मुझे इन्हीं रिजोल्यूशन का मतलब यह है बेटा कितने अच्छे से ये जो है ना बेटा ये सीटीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है रिजोल्यूशन इज कल लिखवाया भी था ना रिजोल्यूशन इज दैट हाउ क्लोज योर डी टी एस इज रिप्रेजेंटिंग सीटीएस इसलिए हाउ क्लोज योर डी टी एस रिप्रेजेंटिंग सीटीएस ठीक तो ये वैल्यू है जीरो वैल्यू है वन ये वैल्यू है टू ये वैल्यू है थ्री ये वैल्यू है माइनस वन ये वैल्यू है माइनस टू यह वैल्यू है माइनस थ्री और ये वैल्यू है फोर और ये वैल्यू है माइनस फोर ध्यान से देखना प्लीज मैडम प्रणीति प्रणीति पूछ रही है सर क्वेश्चन में टी की वैल्यू डाले थे एस वन पे पॉइंट फाइव सिक्स हाँ ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है मैडम मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं प्लीज <गीख> मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा हूं बस इसलिए मैंने बोल दिया बहुत ध्यान सर अगला जो जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है देखो ध्यान से सर यहां पर मैं कुछ पैरामीटर यहां पर डिफाइन करता हूं सर देखो जरा इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं विथ इसको हम कहते हैं विथ तो सिग्नल की जो विथ है वो कितनी है बी प्लस ए सीटीएस की जो विथ है वो है बी प्लस ऑफ ए इसका जो सपोर्ट पॉइंट है सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट पॉइंट मतलब बाउंड पॉइंट वो है टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी टी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए लेस देन इक्वल टू बी और जो इसकी हाइट है याद रखना हाइट की डेफिनेशन मेरे लिए हाइट इज हाइट इस सी जो इसकी हाइट है वो सी है जो इसकी हाइट है वो है सी बहुत ध्यान देखना प्लीज जो इसकी हाइट है वो सी याद रखना हाइट के लिए दो टाइप की डेफिनेशन गिवन होती है हाइट के लिए हमेशा दो टाइप की डेफिनेशन गिवन होती है कि मान लो एक सिग्नल है कुछ ऐसा और एक सिग्नल है कुछ ऐसा सर ये वैल्यू है टू और ये वैल्यू है माइनस टू सर एक होती है हाइट मैक्स वैल्यू ऑन वाई एक्सेस और एक होती है पीक टू पीक वैल्यू बहुत ध्यान देखना फिर सर दो डेफिनेशन नॉर्मली हम देते हैं मान लो कि ये वैल्यू है टू और ये वैल्यू है माइनस थ्री ये वैल्यू है टू और ये वैल्यू है माइनस थ्री बहुत ध्यान देखना प्लीज सर हाइट के लिए मैं अपने सिलेबस में दो डेफिनेशन यूज करता हूं सर एक हाइट है मैक्सिमम वैल्यू जो कि यहां पे हाइट की वैल्यू हो गई टू और यहां पे हाइट पीक टू पीक वैल्यू की बात करूंगा तो यहां पे हाइट हो जाएगी फोर यहां पे हाइट हो जाऊंगा हो जाएगी फोर बहुत ध्यान देखना प्लीज सो जब भी मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो इसकी बात कर रहा हूं मैं टू और जब भी मैं पीक टू पीक की बात कर रहा हूं तो मतलब ये पीक से लेके इस पीक के बीच का गैप कितना है मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं कभी भी अपने कोर्स में पीक टू पीक वैल्यू जब तक ना बोलू तब तक हाइट मेरे लिए यही है इस मेरे पूरे कोर्स में, अगर हाइट मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं हाइट मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हूं अगर मैं पीक टू पीक बोलूंगा तो पीक टू पीक द पीक टू पीक वैल्यू मैं वहां पर लिखूंगा पीक टू पीक हाइट पीक टू पीक हाइट में लिखूंगा लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग में हाइट का मतलब मेरे लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस है क्या यह बात क्लियर है किसी को क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या क्या इस बात में कोई दिक्कत है कम ऑन एवरी वन यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर एक बात और समझना प्लीज हाइट दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं एक तो पीक टू पीक वैल्यू नहीं फाइव को भी एक्सक्लूड करेंगे ना बेटा वहां पर भी तो सैंपल जीरो है तो जीरो को बिल्कुल हम एक्सक्लूड कर देंगे प्लीज निखिल हाँ अब यहां पे देखो जरा से अब आप देखना सर अब आप इसके लिए विट डिफाइन करते हैं चलो ध्यान से सर ये हो गया सी आपको पता है कि ये है सी टी एस ये सीटीएस है बहुत ध्यान देखना प्लीज यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर इसमें अगर मैं बात करूं डी में बात करूं तो विट इज हियर विथ इज द नंबर ऑफ ऑफ सिग्निफिकेंट सैंपल सिग्निफिकेंट सैंपल बहुत ध्यान से देखना प्लीज विथ जो है वो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सैंपल एक बात आप समझना प्लीज आयुष सिंह प्लीज गिव सम आइडिया अबाउट कॉन्सेप्ट बिफोर द क्वेश्चन दैट हाउ टू डू वॉट टू डू अरे बेटा इस क्वेश्चन में तो कल जितना पढ़ाया था उस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा आगे भी प्रॉब्लम करेंगे ना बेटा आगे और चीजें क्लियर होंगी अरे पहले ही प्रॉब्लम है अभी तो फर्स्ट प्रॉब्लम है रुक जाओ तीन सौ प्रॉब्लम कर रहे हैं आयुष थ्री हंड्रेड प्रॉब्लम कर रहे हैं तीन सौ के बाद यही क्वेश्चन फिर से बोलना निखिल मुझे एक चीज बताओ बेटा फोर के बाद फोर के बाद सैंपल लेने का क्या मतलब है

तीन चार पांच छ और सात तो इसकी वित्त कितनी हो गई बताओ सात इसकी वर्त इसकी वर्त कितनी होगी सात इसकी वित्त कितनी हो गई सात और अगर आपको लिखना है फॉर्मूले में तो ये कितना हो जाएगा बताओ अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस ऑफ वन अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस ऑफ वन अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस ऑफ यहां पे ऐसा नहीं था यहां पे सीधे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड थी यहां पे सीधे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड थी सीधे यहां पे सीधे अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड सीधे यहां पे, पे तो कभी भी विड्थ जो होगी वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सैंपल्स होगी यहां पे विड्थ 7 है विड्थ 7 इसको हम नहीं लेंगे इसके आगे जो भी है वो हम नहीं लेंगे तो मैं कुछ प्रैक्टिस आपसे करवाता हूं

Arrow है वो यहाँ पे है। एक और ले लो चलो सी ले लेते हैं सर मैं ले लेता ले और मेरा arrow यहाँ पे है ठीक डी की बात करते हैं सर मान लेता हूं वन कॉमा जीरो 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 मुझे इन सबकी विड्थ चाहिए बताओ मुझे ट इज दिट ऑफ दिस फंक्शन एंड वॉट इज द बाउंड ऑफ दैट फंक्शन इन सबके विथ चाहिए इन सबकी बाउंड चाहिए मुझे बताओ क्या बताऊं मॉड वन के केस में मॉड वन के केस में के मॉड वन के केस में क्या बताऊं इसको बताओ विथ क्या होगी व्हाट इज विथ सर देखो जल से सिग्निफिकेंट सैंपल्स काउंट करना है काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह मुझे एक बताओ ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या कमान ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या नहीं सर अगर मैं इसको एरो तो जीरो हो गया ये वन हो गया ये टू हो गया ये माइनस वन हो गया ये माइनस टू हो गया ये माइनस थ्री हो गया तो कितनी minus minus 1, हो जाएगी बताओ विथ टू माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस वन यानी कि विथ हो जाएगी सिक्स विथ हो जाएगी सिक्स नहीं हाँ होगा क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंट है बेटा वन माइनस फोर और फोर होगा क्योंकि उस केस में ये सिग्निफिकेंट हो गया ना अरे ये देखो ना यहां पे तो एरो है भाई यहां पे तो वैल्यू है वन सर यहां पे माइनस फोर और फोर नहीं होगा क्योंकि यहां पे वैल्यू जीरो है अरे मैं यही बता रहा हूँ भाई क्वेश्चन को कुछ देर देखोगे तो शायद क्लियर हो जाएगा प्लीज ठीक है हाँ इसको बताओ जरा इसको बताओ प्लीज What is the width of this function? What is the width of this function? Come on. What is the width of this function? What is the width of this function? Come on. मुझे तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है कमान एवरी वन क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्या zero जीरो सिग्निफिकेंट है on. हा है क्योंकि ये दो फाइनाइट बाउंड के बीच में है दो फाइनाइट बाउंड के बीच में गाइस, दो फाइनाइट बाउंड के बाउंड के बीच में है। अगर जीरो जैसे कि सर जो बॉटी वाला एग्जाम्पल था उसमें देखो जरा ये जीरो जो ये सैंपल आ रहा था जीरो सर ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट था ये दो सैंपल्स के बीच में था दो सैंपल्स के बीच में था तो ये जीरो यहां पे काउंट होगा तो बिल्कुल यहां पे जीरो काउंट होगा ये जीरो भी काउंट होगा तो बताओ नंबर ऑफ विथ कितनी बताओ नंबर ऑफ विथ कितनी तो ये हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब कि विथ होनी चाहिए इसकी सेवन अपर बाउंड लोअर बाउंड के टर्म्स में देख लो सर ये हो गया जीरो और ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये हो गया सेवन तो आंसर कितना हो जाएगा सेवन 7... विथ कितनी होगी सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया सिक्स ये हो जाएगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन मुझे बताओ मुझे अक्शे बताओ सर यहां पे ये जीरो थे यहां पे ये जीरो है और ये है वन ये है टू ये है थ्री ये है फोर फाइव और यहां पे सिक्स है और यहां पे सेवन है तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड सेवन माइनस जीरो प्लस वन कितनी होगी वन एट हो गया ना बिट तो सॉरी तो सेवन माइनस जीरो प्लस वन एट भाई कितना है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना विथ एट है विथ एट है भाई एट 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 सही हाँ, इसको बताओ अब बताओ मुझे क्या ये जीरो काउंट होंगे क्या ये जीरो काउंट होंगे क्या ये जीरो काउंट होंगे कमान इसको बताओ क्या ये जीरो काउंट होगा विथ विथ है 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 ठीक क्लियर क्या ये जीरो काउंट होगा क्या ये क्या ये जीरो काउंट होगा लेकिन एरो तो है एक ची, एक ची बताओ मुझे, अगर मैं कह कि मेरे पास एक सिग्नल मान लो कुछ ऐसा है ठीक है ये कुछ ऐसा है मान लो ये फोर फाइव यह है सिक्स और यह है मान लो माइनस सॉरी थ्री यह है टू यह है वन यह है जीरो माइनस वन सर अगर इसकी वोलू मैं तो तो इतनी हो ना, इतनी होगी होगी। ना एरो से क्या फर्क पड़ता है एरो से क्या फर्क पड़ता है एरो केवल इस बात को शो करता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस की ओरिजिन यहां पे है कि ओरिजिन यहां पे है तो एरो से कोई मतलब नहीं है सिग्निफिकेंट सैंपल्स खाली इतने होंगे सिग्निफिकेंट सैंपल्स केवल इतने होंगे एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता में एरो से कोई फर्क नहीं पड़ता एरो केवल बताता है कि सैंपल यहां से स्टार्ट हुआ क्लियर तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा तो देखो जीरो वन टू ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा सिक्स सेवन और एट वित्त होनी चाहिए एट माइनस थ्री प्लस फाइव आंसर हो जाएगा एट माइनस थ्री प्लस वन सॉरी एट माइनस थ्री प्लस वन आंसर हो जाएगा आठ पांच प्लस वन एक बताओ जरा इसके वृत्त बताओ कमर वेट ऑफ दिस फंक्शन व्हाट इज दिस फंक्शन ज्योति कुमारी क्वेश्चन बी में विथ सेवन नहीं है क्योंकि ये एरो मैडम दो सैंपल्स के बीच में आ रहा है सॉरी ये जीरो दो सैंपल्स के बीच में आ रहा है ज्योति ज्योति हाँ इसकी वित्त बताओ सर क्या ये जीरोस काउंट होंगे नहीं काउंट होंगे क्या ये जीरो काउंट होगा नहीं काउंट होगा केवल इतना ही काउंट होगा तो एक दो तीन चार पांच इसकी वित्त होगी पांच सर अपर बाउंड लोअर बाउंड बताओ सर तो ये जीरो हो गया तो ये माइनस वन माइनस तो ये हो गया सर जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो ये हो गया माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट ये हो गया माइनस एट मतलब फोर एट प्लस वन मतलब की आठ चार प्लस वन फाइव बिल्कुल सही बिल्कुल सही विट हो गई फाइव विथ हो गई फाइव सिक्स क्यू प्रिंस कुमार सिक्स क्यू 6, Q, width 5 हो गई ना इसकी हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन है डी हो गया ई लास्ट क्वेश्चन है बताओ सर जीरो 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 और एरो मेरा यहां पे है जल्दी से बताओ मुझे विट बताओ जल्दी से विथ बताए वट इज द दिथ ऑफ दिस फंक्शन कम ऑन ट इज द विथ ऑ ऑफ दिस फंक्शन सर फिथ इस बार इसकी होगी वन यूनिट विथ फंक्शन कैसे सर जीरो माइनस जीरो सर इसका अपर बाउंड भी यही पे है लोअर बाउंड भी यही है यही यू बी है यही एल बी है प्लस वन कहने का मतलब वन विथ विथ जो होगी वो होगी इसकी वन अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन और यही आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन है हम देखेंगे आगे मैं अभी इन सब बातों पे नहीं आ रहा हूं यूनिट इंपल्स फंक्शन है यही हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन है क्लियर है क्लियर हो गया यहां तक चलो तो हमने विथ देख लिया हाँ सर तो रेंज हम कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हैं जैसे कि की रेंज कहां से कहां तो रेंज से तक डिफाइन सर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है ये जीरो रेंज, 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 कहां कहां रेंज है रेंज अलग चीज है, अलग चीज है। अगर आपको रेंज गिवन हो तो विड्थ आप निकाल सकते हो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस ऑफ वन तो इससे आपकी निकल के आ जाए यहां पर रेंज आप जो है वो अलग से डिफाइन कर चलो अब हमको ये पता है अब मान लो हमारे पास एक सिग्नल है बहुत ध्यान से देखना सर अब मेरे पास एक सीटीएस सिग्नल है अब मेरे पास सीटीएस सिग्नल है सर अब एक्चुअल गेट का प्रॉब्लम आएगा आपके सामने एक्चुअल गेट का प्रॉब्लम आएगा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राज प्लीज आप देखो मान लो यहां पे है माइनस ए और ये है बी और ये है सी मान लो इसकी अपर वैल्यू है सी तो सिग्नल के तीन पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिए विथ जो कि यहां पे है बी प्लस और सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट पॉइंट जो कि है यहां पे माइनस ए कॉमा बी बेसिकली टी डिफाइन है माइनस ए कॉमा बी तक ये सपोर्ट पॉइंट हो गया और मैंने तीन तीसरा पैरामीटर लिख लिया हाइट हाइट ऑफ सिग्नल तो यहां पे ये यह है सी ये तीन पैरामीटर मेरे पास डिफाइन हो गए। अब देखो व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशन बहुत ध्यान से देखना प्लीज ऑपरेशन का मतलब ये है अब हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स। से क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पक्के से गेट में आते हैं ध्यान से समझो प्लीज सर ऑपरेशन का मतलब यह है कि हमें इसकी प्रोसेसिंग करनी है हमें इसकी विथ को कम करना है या बढ़ाना है हाइट को कम करना है या बढ़ाना है सर ये जो सपोर्ट पॉइंट है जो कि माइनस ए से लेके बी के बीच में है इसको हमें चेंज करना है इसको हमको चेंज करना है बहुत ध्यान से देखना प्लीज इसको हमको चेंज करना है तो हम सिग्नल को दो तरीके से ऑपरेट करते हैं एक हमारे पास है देखो ये यहां पे ध्यान से देखो सर ये एक्स एक्सेस पॉइंट है और ये भी एक्स एक्सिस पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पॉइंट है तो ऑपरेशन का मतलब यह हो गया ऑपरेशन इज टू टू चेंज फंडामेंटल पैरामीटर्स फंडामेंटल पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए हम ऑपरेशन रिचा राज बेटा फिफ्थ डिस्क्रीट टाइम में अपर मॉर्म एंडर मॉर्म प्लस वन थी हा प्लस नहीं मैडम प्लस नहीं माइनस हाइट ऑफ सिग्नल अग्नल अपर वैल्यू सी हाइट ऑफ सिग्नल सी हाइट का मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि हाइट का मतलब मैक्स वैल्यू मैक्स वैल्यू ऑन वाई एक्स मैक्स वैल्यू ऑन वाई एक्स ये है मतलब सपोर्ट पॉइंट का मतलब सिग्नल जिस पॉइंट पे सिचुएटेड है जैसे कि मेरे घर की जो लेंथ है मेरा जो घर का जो प्लॉट है वो है ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव तो मेरा ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी फाइव पूरे लैंड में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आ जाएगा ये हो गया सपोर्ट पॉइंट ये हो गया सपोर्ट पॉइंट सीटीएस और डीटीएस के बीच में आप कंफ्यूज ना हो प्लीज सीटीएस अलग बात है और डीटीएस अलग बात है ये सपोर्ट पॉइंट ठीक है चले तो मेरे पास याद रखना दो टाइप के ऑपरेशन हमेशा होंगे सर बहुत ध्यान से समझना दो टाइप के ऑपरेशन मेरे पास हमेशा होंगे एक होगा मेरे पास एक्स एक्सिस ऑपरेशन एक्स एक्सिस ऑपरेशन और दूसरा होगा वाई एक्सिस ऑपरेशन बहुत ध्यान से देखना प्लीज दूसरा होगा वाई एक्सिस ऑपरेशन सर एक्स एक्सिस ऑपरेशन में मोटिव क्या है इसका टू चेंज विथ सपोर्ट पॉइंट विथ या सपोर्ट पॉइंट और वाई एक्सिस में मोटिव ओनली वन मोटिव टू चेंज हाइट टू चेंज हाइट टू चेंज हाइट इसे क्लियर तो वाई एक्सिस में ओनली मोटिव इज टू चेंज हाइट तो विथ में विट में बहुत ध्यान देखना से सपोर्ट पॉइंट यहां चेंज होगा और जो हाइट है वो एक्सिस ऑपरेशन चेंज होगा तो आप देखो एक्सिस ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं सर एक होता है देखो ध्यान से टाइम शिफ्टिंग बहुत ध्यान से देखना प्लीज दूसरा होता है टाइम स्केलिंग और तीसरा होता है टाइम रिवर्सल सर ये तीनों गेट के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेट के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर वाई एक्सिस ऑपरेशन के जो पैरामीटर्स है मैं यहां पे लिख रहा हूं वाई एक्सिस ऑपरेशन के ऑपरेशन में, में जो मेरा मोटिव है वो है चेंज हाइट ये दो तरीके से करते हैं हम एक तो हम मल्टीप्लीकेशन बाई कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट और दूसरा क्लैंपिंग ये दो तरीके से हम इसकी हाइट को चेंज करेंगे जहां पे हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं बेसिकली तो अब हम वन बाई वन सारे इसको पढ़ते जाएंगे कंबाइंड ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे गाइस यहां तक एक बार टाइप करो यस yes, कोई दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत ना हो तो एक बार टाइप करिएगा यस yes. यहां तक टाइप करिए यस yes, अगर कोई दिक्कत ना हो तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो यहां तक टाइप करो इसे क्लियर जल्दी से बताओ प्लीज जल्दी से बताओ यस yes, टाइप करिए यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक कोई दिक्कत नहीं धीरे धीरे क्वेश्चंस बिल्कुल एक नंबर के होंगे क्वेश्चंस बिल्कुल एक नंबर के होंगे यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की अब ध्यान देना प्लीज हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से मैं जा रहा हूं धीरे धीरे आराम से समझेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं यहां पे फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात याद रखना सर यहां हर्ट में उतरना चाहिए सिग्नल हर्ट में उतरना चाहिए क्लैंपिंग मतलब डीसी वैल्यू एड करना क्लैंपिंग मतलब डीसी वैल्यू एड करना इसे क्लियर ऑपरेशन हम देखेंगे अभी ऑपरेशन हम देखेंगे टाइम शिफ्ट देखो मान लेते हैं कि हमारे पास मान लो एक सिग्नल है कुछ ऐसा बहुत ध्यान देखना मान लो कि मेरे पास एक सिग्नल है जो कि इन पॉइंट्स के बीच में है माइनस ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा बी बहुत ध्यान से देखो प्लीज मैं चाहता हूं और इसकी वैल्यू सी है नॉट इंटरेस्टेड सर मैं चाहता हूं कि यह सिग्नल इधर चला जाए या यह सिग्नल यहां चलाए आप समझ रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूं आई वॉन्ट दैट सिग्नल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस इज द टाइम एक्सेस दिस इज द टाइम एक्सेस और सिग्नल शिफ्ट टुवर्ड्स इन राइट सर मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई भी इसकी हालांकि अच्छा सा प्रूफ है हालांकि अच्छा सा प्रूफ है कल मैं इस प्रूफ को भी दूंगा बट द पॉइंट इज है क्या करना। देखो, अगर हम को right की है लेके जाते हैं तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं टाइम ठीक है और अगर ये एक्स टी है अगर ये सिग्नल एक्सटी है तो टाइम डिलेइंग का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स ऑफ टी माइनस अल्फा जहां पे अल्फा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर अल्फा हमेशा रियल नंबर से होगा अल्फा रियल नंबर होगा एक्स टी माइनस अल्फा इस बिलोंग्स टू द रियल नंबर बहुत ध्यान देखना प्लीज सर हमने टी को टी माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दिया बस यही किया है मैंने तो जब भी हम डिले करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे से। और जब भी हम एडवांस करेंगे जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये है टाइम एडवांसिंग एडवांसिंग और जो फॉर्मेट होगा इसका वो होगा एक्स ऑफ टी प्लस अल्फा ये नंबर लाइन है नंबर लाइन स्टार्ट यहां से होती है और नंबर लाइन टर्मिनेट यहां पे होती है तो अगर हम टर्मिनेशन पॉइंट क्यों लेके जाएंगे टर्मिनेशन पॉइंट क्यों लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिलेइंग अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट क्यों लेके जाएंगे तो ये हमारा होगा एडवांसिंग समझो पे। एग्जाम्पल देता हूं बहुत ध्यान देना मान लो मेरे पास एक एक्सटी गिवन है जो कि कुछ ऐसा है ये जीरो है ये टू है और ये फोर है और ये वैल्यू है टू मान लो मान लो मुझे एक किसी ने कहा कि प्लॉट जेड टी विच इज एक्स ऑफ टी माइनस थ्री एंड प्लॉट वाई टी विच इज एक्स टी प्लस टू बहुत ध्यान देखना प्लीज मान लो किसी ने कहा कि ये हमें प्लॉट करना है कलर चेंज कर दो सर एक्स टी माइनस थ्री का क्या है? बहुत xt -3 का मतलब ये है कि को राइट शिफ्ट करना है कितने से थ्री से सिग्नल को राइट शिफ्ट करना है थ्री से राइट शिफ्ट करना है बहुत ध्यान से अल्फा इज अ रियल नंबर अल्फा इज अ रियल नंबर नॉट अ इंटीजर नंबर तो जब हम राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो आप कुछ मत करिए इस पर आप थ्री जोड़ दो इस पर आप थ्री जोड़ दो कल आप इसका बेस भी सीखोगे कल आप इसका बेस भी सीखोगे कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि ZT का जो प्लॉट आएगा वो आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा कमॉन देखो ये हो जाएगा जीरो प्लस थ्री मतलब ये हो जाएगा थ्री ओके ये हो जाएगा थ्री और टू प्लस थ्री हो जाएगा फाइव और ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री हो जाएगा सेवन ये हो जाएगा जेड थ्री टू सेवन ये है मेरा जेड वैल्यू में कोई चेंज नहीं वैल्यू एज इट इज तो ये हो गया मेरा जेड ये हो गया मेरा जेड से देखें अच्छा अगर मुझे करना है तो कहने का मतलब सिग्नल को लेफ्ट की टूवर्ड शिफ्ट करना है लेफ्ट की शिफ्ट करना है मतलब क्या करूं यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस टू कर देता हूं माइनस टू कर देता हूं माइनस टू तो कर देता हूं तो जो ये सिग्नल बनेगा ये बनेगा देखो ध्यान से देखना ये जो सिग्नल बनेगा वो बनेगा कमॉन वी मेक लाइक दैट देखो फोर माइनस टू टू और टू माइनस टू जीरो मतलब तो ये हो गया जीरो हो गया टू और ये हो गया माइनस टू और यहां पे वैल्यू आएगी फोर हेलो सिग्नल यही बनेगा ना कमॉन एवरीवन मुझे बताओ प्लीज सिग्नल यही बनेगा नहीं बनेगा सिग्नल यही बनेगा नहीं बनेगा कमाल एवरी वन हाइट चेंज नहीं होगी ना हाँ हाइट सर हाइट यहां पे वैल्यू बाहर कोई मल्टीप्लाई नहीं है ना इसलिए हाइट एज इट इज रहेगी सिग्नल यही बनेगा ना कमाल ऑन एवरी वन सिग्नल यही बनेगा एक बात बहुत ध्यान से देखो प्लीज चलो मैं इसको हटाता हूं इसको हटा रहा हूं मैं एक बात बहुत ध्यान से बताओ मुझे सर इसकी विट कितनी कमान इसकी विट कितनी विट थी फोर इसकी विट थी फोर, कमान! फोर कैसे आया सर फोर इसकी फोर है ये फोर टू है ठीक है सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक टू है ये टू 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 सर मैंने यहां पे नहीं देखा टू है टू है

इसके भी तो फोर ही है कमॉन इसका मतलब यह हुआ कि टाइम शिफ्टिंग नॉट चेंज द विफ्टिंग नॉट चेंज टाइम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कर दूंगा प्लीज टाइम शिफ्टिंग नॉट चेंज द पर सपोर्ट पॉइंट देखो ये जीरो टू फोर के बीच में था अब ये थ्री फाइव सेवन के बीच में है थ्री सेवन के बीच में है जो सिग्नल जीरो से फोर के बीच में था माइनस टू से लेकर टू के बीच में है यानी कि मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देना टाइम शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग विल नॉट चेंज विथ ऑनली सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट पॉइंट चेंजेस ऑनली सपोर्ट पॉइंट चेंजेस बहुत ध्यान देख लो आप इसमें बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है हाँ अपर बाउंड लोअर बाउंड चेंज हो गया लेकिन सपोर्ट पॉइंट सेम है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम टाइम स्केलिंग पर जाते हैं बहुत ध्यान देखो प्लीज फिर मैं इनका बेसिक देता हूं कि ये कहां से आपने ये जो प्लस माइनस किया है वो क्या किया है टाइम स्केलिंग सर टाइम स्केलिंग का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक सिग्नल है कुछ ऐसा देखो ध्यान से ये है माइनस ए से लेके बी तक और इसकी जो वेथ थी वो थी बी प्लस ए हाइट कुछ भी हो सी So, मैं एक टाइम स्केल्ड वर्जन आपके सामने लिख रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक वाइटी है जो कि है एक्स ऑफ अल्फा टी और ध्यान देखे प्लीज जहां पे सिग्नल जो है वो अल्फा से स्केल्ड हो गया सिग्नल जो है वो अल्फा से स्केल्ड हो गया इसका मतलब क्या हुआ मुझे एक चीज़ बताओ सिग्नल पहले टी पे था तो जो टी की रेंज थी वो थी माइनस ए से लेके बी तक लेकिन टी एक्सिस चेंज हो के अब अल्फा टी में कन्वर्ट हो गई है यानी कि रेंज अब बताओ क्या होगी अगर मैं टी के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो रेंज क्या होगी बताओ टी की रेंज होगी माइनस ए बाय अल्फा से लेके बी बाय अल्फा के बीच में अरे हाँ या ना में जवाब दो सिग्नल पहले टी था अब सिग्नल का जो ऑर्ग्यूमेंट है वो अल्फा हो गया है अल्फा बिलोंग्स टू अल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू अल्बर अल्फा रियल होगा इसका मतलब यह हुआ कि इस सिग्नल को करने का केवल एक ही तरीका यह है कि आप कुछ मत करिए आंख मूंद कर इसको अल्फा से डिवाइड कर दीजिए ठीक है और अगर शिफ्टिंग करना था तो आप यहां पे देखो अगर शिफ्टिंग करना होता अगर आप थोड़ा सा बेस में दे ही तो जो बी तो जोड़ दिया चारों तरफ माइनस ए प्लस अल्फा लेस देन इक्वल टू टी लेस टू बी प्लस अल्फा यही काम हमने किया था देखो यही काम हमने किया था अभी अभी यही काम हमने किया था जब हमने माइनस अल्फा किया था मतलब शिफ्टिंग किया था तो हमने पॉइंट जोड़ दिए थे यही पॉइंट हमने यहां पर जोड़ दिए थे और अगर ये अगर ये मान लो अगर ये यहां पे दिस uh, इज अगर ये माइनस ए से लेकर टी लेस देन इक्वल टू बी था अगर हमें टी प्लस अल्फा करना होता माइनस ए से लेकर बी तक तो हम क्या करते कि अल्फा को सब ट्रैक्ट कर देते माइनस ए माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू टू लेस देन इक्वल टू बी माइनस अल्फा और यही काम हम लोगों ने

एक्सटी एक सिग्नल था अब मैं इसको एक्स अल्फा टी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आप देखो जरा अल्फा मे बी ग्रेटर वन, केस वन ले ले लेता हूं मैं इसको। केस नंबर टू ले 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 लेता हूं अल्फा मे बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन अब सर आप ये पूछोगे कि ये कैसे तुमने डिसाइड किया कि क्या होगा आप खुद देखोगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है केस नंबर थ्री देखो मान लेता हूं कि मैं अल्फा की वैल्यू इक्वल टू तो माइनस वन और मान लेता हूं कि अल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो है सपोज बहुत एग्जांपल से देखते हैं एग्जांपल नंबर वन मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है एक सिग्नल ले लिया मैंने ये सिग्नल है मेरा सेम सब कुछ जीरो टू फोर टू अगर मैं कह दूं कि ये मेरा एक्स टी था अगर मैं कह दूं कि ये मेरा एक्सटी था मुझे एक सिग्नल डिफाइन करना है वाई टी जो कि एक्स ऑफ टू टी क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कमॉन क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा तो डिवाइड बाय टू कर दो डिवाइड बाय टू कर दो तो यहां पे हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय टू वन डिवाइड बाय टू टू यहां पे हो गया टू एक बात आप समझना प्लीज एक बात आप समझना सर यहां पे वित्त कितनी थी कम और वित्त बस कंसनट्रेट करो वित्त थी फोर वित्त थी फोर और यहां पे वित्त कितनी थी बताओ वित्त थी टू यानी कि कोई भी अल्फा अगर अगर मैं ग्रेटर देन वन रखूंगा तो ये ऑलवेज ऑपरेशन जो होगा वो होगा क्या टाइम कंप्रेशन ये जो ऑपरेशन होगा वो होगा कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अ सिग्नल ये जो ऑपरेशन होगा वो होगा कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अ सिग्नल मतलब सिग्नल ओरिजिनल जो भी है उसका कंप्रेस्ड वर्जन अगर मैंने अल्फा की वैल्यू को ग्रेटर देन रखा तो अगर मैं केस नंबर टू लेता हूं चलो अगर मैं मैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन देन लेस ले लो। फिर से एक करना चाहता हूं वाई टी जो कि है एक्स ऑफ टी थ्री। इस बार अल्फा की वैल्यू वन बाई थ्री है यस yes. तो अगर अल्फा की वैल्यू वन बाई थ्री है तो वन बाई थ्री से मैं जब इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे एक चीज बताओ आपको तो नहीं लगता कि जो ये सिग्नल होगा ये ऐसा हो चुका होगा जीरो डिवाइड बाई जीरो टू डिवाइड बाय वन बाई थ्री सिक्स और यहां पे हो जाएगा ट्वेल्व यानी कि अगर इसकी विथ देखी जाए तो इसकी विथ होगी फोर पर इसकी विथ अगर देखी जाए तो इसकी विथ हो जाएगी ट्वेल्व और ये कुछ भी अल्फा अगर मैं एज लॉन्ग एज ग्रेटर देन देन वन पॉजिटिव वैल्यू लेकिन जीरो से लेकर वन के बीच में रख रहा हूं तो सिग्नल पक्के से मेरा टाइम क्या बन जाएगा बताओ टाइम एक्सपांड बनेगा पक्के से एक्सपांशन होगा हां या ना में जवाब दो गाइस हां या ना में जवाब दो विथ इसकी ट्वेल्व हो गई विथ इसकी ट्वेल्व हो गई सिंपल सी बात है बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि ये टाइम एक्सपांशन बनेगा इसे विधविली अच्छा, कर दू के बहुत इंटरेस्टिंग है अगर मैं अल्फा की वैल्यू को माइनस वन कर दू फिर से सिग्नल बनाता हूं ये सिग्नल है ये है मेरा जीरो है मेरा ये है मेरा फोर और ये वैल्यू है टू और ये है वैल्यू एक्स टी है वैल्यू एक्सटी मान लो मैं एक्सरटी सिग्नल इस बार बना रहा हूं जहां पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं x माइनस टी से यानी कि अल्फा की वैल्यू को माइनस वन रखा है मैंने तो बताओ क्या होगा सर जब आप माइनस वन से इसको डिवाइड करोगे तो ये तो जीरो है ये माइनस टू हो जाएगा ये माइनस फोर हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ये जो सिग्नल होगा ये सिग्नल देखो ध्यान से सिग्नल ऐसा सिग्नल हो जाएगा कमॉन ये जो सिग्नल होगा माइनस फोर टू जीरो और यह वैल्यू तो टू थी अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू दिस सिग्नल दिस सिग्नल को देखो तो ये आपने मिरर इमेज ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर जहां तक की बात है है देखो सर 4 है और यहां पे विट फोर है width में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं width में आपने कोई चेंज नहीं किया बस आपने इसका क्या कर दिया बेटा मिरर इमेज ले लिया अबाउट वाई तो इस ऑपरेशन को अगर अल्फा की वैल्यू माइनस वन है तो इस ऑपरेशन को मैं कह रहा हूं दैट इज नोन एज अ टाइम रिवर्सल दैट इज नोन एज अ टाइम रिवर्सल बहुत डांस देखें प्लीज दैट इज नॉन एज टाइम रिवर्सल विच इज एक्चुअली वॉट इट इज अरर इमेज अराउंड वाई एक्सिस। इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं फोल्डिंग इसी का नाम है फोल्डिंग फोल्ड Fold कर देना इसी का नाम है फोल्डिंग फोल्ड Fold कर देते हैं Got it? और एक बात समझो कि मैं एक लाइन यहां पर लिखता हूं कि टाइम रिवर्सल विल विल नॉट अ चेंज विल नॉट चेंज विथ ऑफ सिग्नल सर टाइम रिवर्सल जो है वो कभी भी विट को चेंज नहीं करेगा बिल्कुल सही बात है विट देखो अभी भी फोर थी अभी भी फोर है विट अभी भी फोर थी अभी भी फोर so, है सो टाइम रिवर्सल विल नॉट चेंज द सिग्नल इसे क्या है माइनस अरे बेटा आलोक आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे बेटा बिल्कुल एकदम से पूछोगे तो फिर बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी धीरे धीरे मैं सारी चीजें बता दूंगा आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा यू डू नॉट है केस फोर देखो। क्या हो अगर अल्फा लेस देन जीरो हो जैसे कि यहां पर दो केस इंडिपेंडेंट आते हैं कि अगर मान लो मैं कहूं मॉर्ड अल्फा ग्रेटर जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे एक्स माइनस थ्री टी चाहिए यहां पे अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री लोगे ग्रेटर देन और अल्फा ग्रेटर देन देन लेस है मतलब एक्स की वैल्यू मान लो माइनस अगर आप इसका मॉड ले लो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री है अल्फा की वैल्यू माइनस वन बाई टू है दोनों लेस देन जीरो है बट इनका मॉड ग्रेटर हम ये दोनों ऑपरेशन को समझते हैं ध्यान से हम एक सिग्नल ले लेते हैं हम एक सिग्नल ले लेते हैं यही वाला ये हो गया जीरो ये हो गया टू ये हो गया फोर और मान लेते हैं कि टू है ये हमारा एक सिग्नल है इक्वल टू सेपरेट ऑपरेशन व्हाई आई एन डी न्यूज अब आप देखो मान लो किसी ने कहा कि प्लॉट किसी ने कहा कि प्लॉट सेवन टी विच इज एक्स ऑफ माइनस टी बाय फोर और किसी ने कहा वाई टी ए बी वाई टी विच इज एक्स ऑफ माइनस फोर्टी किसी ने कहा एक्स ऑफ माइनस फोर्टी क्या है सपोर्ट पॉइंट्स डू चेंज इस ऑपरेशन में सपोर्ट पॉइंट चेंज होगा ही होगा प्रेरणा कुमारी इस ऑपरेशन में तभी तो चेंज होगा अब देखो ध्यान से सर जडिटी सर एक्सटी ये है देखो ध्यान से ये एक्सटी है मैं फिर से बना देता हूं जीरो टू फोर और यहां पे वैल्यू तो टू। ये एक्सटी है बेटा हमें पहले चलो जट्टी बनाना है तो जट्टी यहां पे लिख लेता हूं मैं जट्टी है x ऑफ -t 2 यानी कि मोड अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 थी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा रिवर्सल क्योंकि माइनस है तो जब हम रिवर्स करेंगे बेटा तो जब हम रिवर्स करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास सिग्नल ये ये आ जाएगा ये हो माइनस फोर और ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा जीरो और जब हम इसको डिवाइड बाय वन बाई टू करेंगे तो ये जो सिग्नल फाइनली बनेगा ये जो सिग्नल फाइनली बनेगा आपको नहीं लगता कि ये जो सिग्नल फाइनली बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा बताओ ये बन जाएगा माइनस एट माइनस फोर और ये हो जाएगा जीरो मी विथ इज एट जबकि विथ वॉज फोर तो सिग्नल क्या हुआ पहले रिवर्स हुआ और फिर एक्सपांड हुआ हेलो फिर एक्सपांड हुआ बहुत ध्यान से देखना प्लीज रिवर्स हुआ और एक्सपांड हुआ यही हुआ ना इसका मतलब माइनस टी बाई फोर यही तो हुआ अच्छा माइनस टी बाई टू क्या चलो ठीक है इट्स क्या फर्क पड़ता है क्या, अच्छा, क्या फर्क पड़ता है माइनस टी बाई टू कर देता और अब अगर मैं आपसे वाई टी डिफाइन कर पा रहा हूं कि वाई टी इज एक्सो माइनस फोर्टी यही था ना चेक कर लेते माइनस फोर्टी था हाँ तो क्या करना पड़ेगा फिक्स बात है कि पहले रिवर्सल तो करना पड़ेगा कर दो ये रिवर्सल हो गया ये हो गया माइनस फोर और ये हो गया माइनस टू और ये हो गया जीरो बहुत ध्यान से देखेगा फ्रेंड्स और हम जब इसको हम जब इसको सर डिवाइड बाय फोर करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये जो सिग्नल होगा ये हो जाएगा माइनस वन ये हो जाएगा माइनस पॉइंट फाइव और यह हो जाएगा जीरो तो यहां पे यहां पे क्या हो गया रिवर्सल प्लस कंप्रेशन इसका मतलब अगर मैं केस फोर की बात करूं अगर मैं अल्फा लेस देन जीरो की बात कर रहा हूं तो यहां पे दो केस आएंगे एक जब मॉड अल्फा ग्रेटर देन वन होगा तो मेरे पास होगा रिवर्सल प्लस कंप्रेशन और एक होगा मॉड अल्फा जब ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन होगा तो मेरे पास होगा रिवर्सल और प्लस एक्सपांशन इसे क्लियर इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस इज दिस पॉइंट इज क्लियर एक होमवर्क जरूरी है यहां लेट लेट जेड टी इज दिस वन होमवर्क है है किसी ने कहा ये जीरो है ये फोर है ये सिक्स है ये एट है और यहां पे टू है और यहां पे फोर है प्लॉट प्लॉट ए सेड ऑफ टी प्लस थ्री बी जेड ऑफ टी माइनस टू सी जेड ऑफ माइनस टी बाय थ्री डी जेड ऑफ माइनस टू टी प्लस फोर और ई फोर जेड माइनस थ्री टी माइनस नाइन बेटा ये होमवर्क है जो कि आज का होमवर्क है आपको ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने कल मैं कंबाइंड ऑपरेशंस, हालांकि मैं कंबाइंड ऑपरेशंस मैं कल का टॉपिक होगा यहां से स्टार्ट होगा और कल इतने प्यारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा गाइस सारे गेट के प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको जो कि आज तक इससे आए हुए हैं आज तक इससे आए हुए हैं तो गाइस मुझे एक बार लाइक दे दो कि आज की क्लास मुझे ओवरऑल समझ में आई है आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने सैंपलिंग के एस्पेक्ट को देखा जो भी वो कह रहे थे कि सर इसको फिर से एक बार बता देखो ना सर मैंने इसको जस्ट सैंपल किया बेटा ध्यान से देखो सर ये सिग्नल पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव की रेट से सैंपल किया है तो मुझे यहां पे वैल्यूज मिल गई मुझे यहां पे वैल्यूज मिल गई और इन वैल्यूज को मैंने यहां पे रखा और स्क्वायर करके जोड़ दिया दैट्स इट कोई भी जो कोई भी मुझसे पूछ रहा था इसके लिए और मैंने यह बात प्रूव किया इस टेबल पे कि जैसे जैसे टी मेरा कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरा रिजोल्यूशन भी बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी तो गाइस इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हम लोगों ने विड्थ पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे विड्थ देखा कि विड्थ सर डिस्क्रीट में विड्थ जो होती है वो होती है अपर बाउंड माइंड बाउंड प्लस ओवर बाउंड प्लस वन इसकी मैं अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तुरंत आपको ऑपरेशन कल मैं आपको इसके गेट के और आपको मजा आ जाएगा गारंटेड अटेंडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अटेंडेंस कम होगा क्वालिटी कम हो जाएगी याद रखना अगर चाहते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन में गेट के यहीं में बैठ के सोल्व करूं मैं आपके सामने सोल्व करवाऊँ तो आपको बिल्कुल यहां पे आना ही पड़ेगा लाइक ठोकना पड़ेगा शेयर करना पड़ेगा जहां पे आप शेयर कर सकते हो वहां पे आप शेयर करो सेम टाइमिंग है आठ से साढ़े नौ पे डेली में आपको मिल जाऊंगा टाइम एक बार और नोट कर लो जिनको नहीं पता है एट टू नाइन थर्टी मंडे टू फ्राइडे मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको मिलेगा टाइम एट से साढ़े नौ के बीच में और सैटरडे संडे आपका जो होगा वो छुट्टी हो जाएगी

गाइस हर टीचर के लेक्चर में पहुंचो और गेट को इस बार रगड़ डालो फोट डालो बिल्कुल गेट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सपोर्ट के लिए ये तुम्हारा बड़ा बड़ा भाई भाई खड़ा खड़ा हुआ हुआ है है सपोर्ट के लिए ये तुम्हारा बड़ा भाई हुआ है। हमेशा सपोर्ट मिलेगा दैट इज गारंटेड इस बार बिल्कुल रैंक चाहिए मुझे सबसे रैंक चाहिए मुझे सबसे ये गारंटेड है इसे लिए, तो लिए मैं आपको यहां मिल जाऊंगा यहां मिल जाऊंगा यहां मिल जाऊंगा एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच